मार्ग तो देखिए सब अपने अनुसार अपना कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं, और उसमें होता भी यही है कि जो जैसा है वो उसी मुताबिक अपना मार्ग सोच लेता है। हम जैसे हो गए हैं, हमारे जैसे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों की हम पे जो छाप पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं। जो हमारे विचार हैं वही हम हो जाते हैं। अब ऐसे में जब आप कहें या मैं कहूं या कोई कहे मेरा मार्ग, तो उसमें पहले सवाल ये आएगा ना, किसका मार्ग? वो इकाई कौन है जो अपने लिए मार्ग निर्धारित कर रही है? क्या वो वही तो नहीं जिसपे तमाम दूसरे मार्गों की छाप पड़ी हुई हो, जिसके पास बहुत सारे अनुभव हों? और वो अनुभव ही बातचीत करते हों। चुनने में सबसे असंभव चुनौती यही रहती है कि चुनाव और चयनकर्ता अलग-अलग नहीं हो सकते। चुनने वाला अपने चुनाव से अलग हो जाए ये संभव नहीं है। आप जैसे हैं आप वही चुन लेते हैं। हमारे सामने कहानियां आती हैं, उन कहानियों का अर्थ हम अपने ही अनुसार चुन लेते हैं, ठीक अपने ही अनुसार। हम जो होते हैं वही उनका अर्थ निकल आता है हमारे लिए। इसीलिए इस कैंप में जो प्रक्रिया चल रही है वो किन्हीं नए अर्थों को आरोपित कर देने की नहीं है। वो ठीक वही प्रक्रिया है जैसा आपने अपने पहले ही वाक्य में कहा कि अपने पुराने अर्थों पर ही जरा गौर कर लीजिए। अर्थ तो हम सबके ही पास हैं, बहुत सारे हैं। उन पर ही जरा ध्यान से, ईमानदारी से गौर कर लीजिए कि वो क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और उन्होंने हमें क्या बना दिया है। इतना अगर कर लें तो काफी है। रही रिफ्लेक्शन लिखने की बात, इतना कुछ तो है आपके पास बोलने के लिए, वही लिख डालिए। और अगर आप कहते हैं कि नया नहीं मिल रहा कुछ, बस पुराने को ही चुनौती मिल रही है और पुराना ही ध्वस्त हो रहा है, तो यही लिख डालिए। रिफ्लेक्शन के, अवलोकन के कोई नियम कायदे नहीं होते। वो बस एक चीज की मांग करता है, सरलता। जो है जैसा है उसको कागज पे उतारते हैं, जैसे अभी अभिव्यक्त किया वैसे ही कागज पर भी कर दें। बिना कागज पर उतारे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है जैसा अभी हुआ, पर कागज के साथ रहने में जरा फायदा यह होता है कि जो बिखरे हुए उलझे हुए विचार होते हैं वो पुट टुगेदर हो जाते हैं, उनका एक कंडेंसेशन हो जाता है, अनुशीलन हो जाता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सहज प्रवाह में गुम हो सकती हैं, वो लिखने में आप इधर उधर से पकड़ करके ला सकते हैं और लिख देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शांति से
थोड़ा जगह निकाल के, थोड़ा समय निकाल करके बैठें और जो बातें हैं उनको लिखते हैं। बाकी जो हो रहा है ठीक वही उद्देश्य है इस कैंप का। हमारे पास हमारा कोई मार्ग है ही नहीं, कोई एक मार्ग होता अगर तो यहां पर 15 अलग अलग लेखकों की, ज्ञानियों की, भक्तों की, गुरुओं की वाणी हम क्यों लेकर के आते। कल आप जैन के साथ थे, आज खलील जिब्रान के साथ थे, थोड़ी देर में आप कबीर के साथ होंगे, हम किस मार्ग की बात करें? जिसके पास कोई मार्ग नहीं होता उसका सौभाग्य ये होता है कि उसके लिए सारे मार्ग खुल जाते हैं। जिसके पास एक मार्ग होता है वो अपने लिए बाकी सारे मार्गों के द्वार बंद कर लेता है, और विडंबना यह है कि वो एक मार्ग भी उसे कहीं ले नहीं जा पाता। जानते हैं अगर आपके पास एक मार्ग होगा तो आपको कहां लेके जाएगा? वो आपको आपके मन की परिधि पर ले जाके छोड़ देगा, क्योंकि वो जो एक मार्ग है वो और कुछ नहीं है, वो आपकी अपनी धारणाएं और संस्कार हैं। मन में है ना सब कुछ, तो वो जो एक मार्ग होगा वो भी कहां रह जाएगा? वो मन से चलेगा और मन तक की ही यात्रा करेगा, मन से आगे नहीं ले जा पाएगा, मन से शुरू होगा और मन की परिधि पे जाके रुक जाएगा। तो कहीं से कहीं तक भी नहीं पहुंचे, जहां से शुरुआत की थी वहीं रह गए। आप समझ रहे हो? एक मार्ग का चयन आप करते हो ना, आप क्या चुनोगे? जैसे आप हो तो आपने चुना ही वही, जैसे आप पहले ही थे, तो अब वो रास्ता क्या आपको कहीं आपसे आगे और दूर तक ले जा पाएगा? वो रास्ता तो बस आपको आपके ही मन तक पुनः ला करके छोड़ देगा, जहां से शुरुआत की थी उसी के आसपास कहीं आप अपने आप को अंत में भी पाएंगे। से सांप सीढ़ी में होता है ना, कि आगे बढ़ते हैं और फिर सांप डस लेता है, तो जहां से चले थे वहीं कहीं आसपास आके फिर पटक जाते हैं। कृष्णमूर्ति यूं ही नहीं कह गए थे ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, वहां कोई मार्ग नहीं चलते। अभी शुरुआत है, एक दिन दो दिन की बात हुई है, अपनी समझने की शक्ति पर भरोसा करें, अपनी धारणाओं पर नहीं, अपने अनुभवों पर नहीं, अपने पर पूरा भरोसा करें। पर अपने पर भरोसा करना और अपनी स्मृतियों पर भरोसा करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। अपने पर भरोसा करने का अर्थ हुआ कि मुझ में बोध की ताकत है, मुझ में समझ की शक्ति है, मैं जान सकता हूं, मैं सुनता हूं तो मैं समझ सकता हूं। और अपनी धारणाओं पर भरोसा करने का नतीजा जानते हैं क्या होता है? मुझे सुनने और समझने की जरूरत नहीं, मेरे पास तो अनुभवों और स्मृतियों का भंडार है, मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूं पहले ही, मैं सुन के क्या करूंगा। अपने पर पूरा भरोसा रखें, लेकिन समझिएगा इस बात को, अपने पर भरोसा रखना और अपनी धारणाओं और स्मृतियों पर भरोसा रखना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, और ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवन भी हैं। एक जीवन होता है जो चलता है बोध पर, चेतना पर, और एक जीवन होता है जो चलता है मान्यताओं और स्मृतियों पर। इसमें एक जीवन जीवन होता है और दूसरा जीवन एक अर्ध सुप्तावस्था जैसा कुछ, क्योंकि उसमें आप कुछ नया देख ही नहीं पाते। उसमें सत्य आपके सामने भी खड़ा हो तो आप अपनी स्मृतियों में ही गुम रहते हैं। जो काम चेतना को करना चाहिए अब वो काम आप स्मृतियों से करवाते हैं। कोई आपके सामने खड़ा होगा, आप आंख खोल करके उसको देखेंगे भी नहीं कि वो कौन है और कैसा है, आप आंख की जगह काम लेंगे स्मृति से। आप कहेंगे जरा याद करूं कि इस व्यक्ति के विषय में मेरी स्मृतियां क्या हैं, धारणाएं क्या हैं। जो काम चेतना को करना चाहिए वो आप करा रहे हैं स्मृति से। कोई बात आपसे कही जाएगी,
आप उसे अपने बोध की गहराइयों तक उतरने ही नहीं देंगे, आप बीच में स्मृति का फिल्टर लगा देंगे, आप कहेंगे इस विषय पर और लोगों ने क्या कहा है, इस विषय पर मेरे अनुभव क्या रहे हैं, जरा वो सब याद करके आता हूं। जब तक आप वो याद करेंगे बात निकल चुकी होगी, मौका आप चूक चुके होंगे। आनंद मन की कोई अवस्था नहीं होती, आत्मा की अवस्था होती है। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। अवस्थाओं का मतलब है कि यदि हम पहले ही माने बैठे हैं कि हमें आत्मा का और आनंद का पता है, तो फिर जब बात की जाएगी आत्मा की, तो आप इस बात से चूक ही जाएंगे कि अवस्थाएं तो सिर्फ उसकी हो सकती हैं जो चलायमान हो, जो परिवर्तनशील हो, जो बदल ही नहीं सकता, उसकी कैसी अवस्था। फिर आप चूक ही जाएंगे इस बात से कि सुख में और आनंद में मात्र गुणात्मक ही नहीं बल्कि आयामात्मक परिवर्तन और भेद होता है। आप आनंद शब्द का यूं प्रयोग करेंगे जैसे वो सुख का ही पर्याय हो। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि सुख तो शायद आपको उपलब्ध हो जाएगा पर आनंद से चूकते रहेंगे, क्योंकि आपने तो सुख को ही आनंद समझ लिया। जब सुख को ही आनंद समझ लिया तो सुख मिलता रहेगा और आनंद से वंचित रह जाएंगे। जो मुझे मिला ना हो उसका मैं बार बार दावा करूं तो मैं और पक्का किए ले रहा हूं ना कि अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर उसकी अनुपस्थिति का एहसास हुआ होता तो मैं कम से कम कोई विनम्र कोशिश करता उसको पाने की, पर मैंने तो उसके मिले बिना ही उसको पा लेने का दावा कर डाला। मिला नहीं और दावा कर डाला कि मिल गया, क्या होगा नतीजा? अब तो कभी ना मिलेगा, अब तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना मिले ही कह दिया कि मिल गया। अब तो बल्कि जब मिलने की संभावना भी होती होगी तो मन दीवार बन जाएगा। मन कहेगा मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले ही कई अन्य लोगों से मिल चुका है, मुझे तो पहले ही प्राप्त है, तो मैं क्यों लूं, मुझे तो कोई दरकार नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मुझे मिला हुआ है। न मिलने का कारण कभी ये नहीं होता कि जो मिलना है उसकी उपलब्धता नहीं थी या जिसे मिलना है उसकी पात्रता नहीं थी। आपकी पूरी पात्रता है पाने की, और जिसे देना है वो प्रचुरता में उपलब्ध करा रहा है। बीच में बस मन की ये धारणा आ जाती है कि मेरे पास तो पहले से ही है। अब पहले से ही है तो आप लौटा देते हो ना, जब मिल भी रहा होता है तो आप कहते हो नहीं चाहिए, जाओ बाबा अगला दरवाजा देखो हमारे पास है। है क्या? सच सच कहिएगा, है? अपनी धारणाओं से मत बोलिए, अपने जीवन की गवाही से बोलिए, है? आनंद वो जो ना आ सकता हो ना जा सकता हो, जो आ सकता है जा सकता है वो सुख, आनंद के कुछ पल नहीं होते। आनंद तो एक शाश्वतता होती है, अचल, उसके ऊपर सुख दुख आते जाते रहते हैं, नीचे वो सदा मौजूद रहती है। कहिए है कुछ ऐसा जीवन में जो परिवर्तन से अछूता हो? है? या तो कह दीजिए कि है, और यदि है तो उसके बाद फिर कुछ और पाने की इच्छा शेष नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि वो तो आखिर ही है, वो है, तो अब जीवन में कुछ और क्यों चाहिए, अब फिर किसी तरह की कमी का एहसास क्यों, अब फिर कोई भी तृष्णा क्यों? कहिए कि है, और यदि है
तो फिर ये भी कहिए कि पूर्ण तृप्त हूं, पर वो पूर्ण तृप्ति क्या वास्तव में है जीवन में? वो आनंद वास्तव में है क्या? और यदि नहीं है तो जरा विनय के साथ, जरा सरलता के साथ उपस्थित रहे आइए। आपके होने से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और आपके न होने पर मामला बड़ा खाली खाली सा लगता है। अपनी पूरी मौजूदगी दीजिए, प्रक्रिया के साथ पूरी तरह बने रहिए। नहीं तो बीच के रह जाएंगे, ना उस पार ना उस पार। कहेंगे कभी कि है, जब जांचा जाएगा कि है क्या, जीवन की कसौटी पे जांचा जाएगा, शब्दों की नहीं। शब्दों से तो जांचने की बिल्कुल कसौटी है। जांचने की कसौटी यह है कि यदि जीवन में अभी भी संदेह बना रहता है, शक बना रहता है, डर बने रहते हैं, तो नहीं है। आनंद और संदेह साथ साथ नहीं चलते। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हो गया हूं भय मुक्त और संदेह मुक्त? क्या भीतर से अब सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से संचालित होता है? क्या अब पूरे तरीके से मेरे कर्मों का और मेरी गति का निर्धारण मात्र आत्मा से होता है? आप देख रहे हैं कि आपकी बातों में कितना विरोधाभास है। कहते हैं भय नहीं है, संदेह नहीं है, शक नहीं है, जीवन में सुव्यवस्था है। अगर यदि है वो सब कुछ, तो क्या आवश्यकता पड़ती है कि कोई जाए और फिर ले करके आए? गौर करिएगा, जीवन का एक छोटा सा पहलू है, जरा सी घटना है, पर वो बहुत कुछ बता देती है अपने बारे में। इसी को ध्यान कहते हैं, कि आदमी अपने बारे में गलत फहमी में ना रह जाए, जिंदगी के करीब आए और जिंदगी को ही एकमात्र कसौटी बनाए। नहीं तो अपने बारे में कोई कुछ भी ख्याल रख सकता है। आजाद नहीं है, गुलामी है बहुत बड़ी, कि अपने आप को देख भी नहीं पा रहा। ये वैसी ही आजादी है कि कोई मरीज हो किसी बीमारी का और वो कहे कि मैं आजाद हूं ये मानने के लिए कि मुझे बीमारी है ही नहीं। ये आजादी सिर्फ कष्ट देगी, और जो कष्ट दे उसका नाम आजादी नहीं हो सकता। मरीज कहे मैं आजाद हूं ये मानने के लिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं, तो वो अब विक्षिप्तता की ओर बढ़ रहा है, उसे और कष्ट मिलेंगे। ये आजादी नहीं कहलाती। मुक्ति और आनंद एक साथ चलते हैं। आजादी कष्ट नहीं, आनंद ही देती है। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, अपने बारे में अपनी मान्यताओं को नहीं, अपनी जिंदगी को कसौटी बनाए। हम सब अपने बारे में विचार रखते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट सबके पास है। आपसे पूछा जाए आप कौन हो और कैसे हो, तो आप बहुत सारी बातें बोल दोगे। उन बातों को जरा कसो, उन बातों की जरा परीक्षा लो। और परीक्षा लेने के लिए जीवन उपलब्ध है। अपनी जिंदगी को देखो और पूछो कि ये सारे दावे जो मैं अपने बारे में करता हूं, मेरी जिंदगी इनका अनुमोदन करती है या नहीं? मैंने तो कह दिया कि मैं बड़ा प्रेमपूर्ण हूं, जरा मैं अपने दोस्तों यारों से भी पूछ लूं कि मैं कितना प्रेमपूर्ण हूं। मैंने तो कह दिया कि मुझे अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, पर सुबह से शाम तक मैं जैसा रहता हूं और जीता हूं, जरा मैं उसको भी देख लूं। मैंने तो कह दिया कि इच्छाओं को अब चिराहुति दे दी, कोई बची नहीं। पर अपने दफ्तर में और बाजार में
वहां पर मेरा कैसा जीवन है, जरा उसको भी ईमानदारी से देख लो। तथ्य वहीं से सामने आएंगे, जब तथ्य सामने आ जाए तब सत्य दूर नहीं रह जाता। तथ्य और सत्य बहुत करीब करीब की बात है। वास्तव में हमारा हक भी सिर्फ तथ्य तक चलता है, सत्य तो अपने आप उतरता है। तथ्यों से रूबरू हों, मुझे पूरा दावा है अपने बारे में ख्याल रखने का कि मैं शारीरिक तौर पर बड़ा फिट हूं, पर मुझे वजन तोलने की मशीन पर खड़ा होना पड़ेगा, मुझे तथ्य से रूबरू होना पड़ेगा, नहीं तो मैं ख्याली पुलाव पका सकता हूं कि मुझसे ज्यादा फिट तो कोई है ही नहीं। पर जब वजन देखता हूं तब पता चलता है कि मैं कहां हूं, आंकड़ा सामने आना चाहिए तब बात करो, नहीं तो मैं बना सकता हूं अपना फेसबुक स्टेटस, क्या मैं आलोक दोनों, वी आर द फिटेस्ट वंस इन द वर्ल्ड, ना उन्हें किसी ने रोका है ना मुझे किसी ने रोका है, पर अभी जरा दौड़ लगानी पड़ जाए तब जिंदगी बता देगी कि कितने फिट हो। अमनदीप को भी पूरा भरोसा था साइकिल लेकर के, जिंदगी ने बता दिया कि क्या हालचाल है। जिंदगी से पूछो, जिंदगी से, स्मृतियों से नहीं, मान्यताओं और धारणाओं से नहीं, रोज कैसा जीवन जी रहे हो उससे पूछो, वो हकीकत बयान करेगा। रोज कैसा जीवन जी रहे हो उससे पूछो, सच्चाई वहां मिलेगी। इसीलिए तो सबसे सरल है ना आध्यात्मिकता, दूर कहीं जाना नहीं, अपनी जिंदगी को देख लेना है। जी सभी रहे हैं, जब सभी जी रहे हैं तो जीवन को देखने की उपलब्धता भी सबको है। रिफ्लेक्शन का यही अर्थ होता है, आईना सामने था मैंने देखा। कैंप आईना है, ये स्थितियां आईना है, ये सत्र आईना है, आप इसका उपयोग करें पूरा और देखें। खलील जिब्रान को रट नहीं लेना है, वो रीडिंग इसलिए दी गई है कि खलील जिब्रान आईना बन जाएं और उसमें आप अपने जीवन को देख पाएं। आपको खलील जिब्रान का जीवन थोड़ा ही जीना है, किसी का नहीं जीना, अपने पड़ोसी का नहीं जीना, मेरा नहीं जीना, अपनी जिंदगी जीनी है ना। जब सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जिंदगी की बेहतरी हो, तो जिसकी बेहतरी करनी है सबसे पहले तो उसको ही देखना पड़ेगा ना, क्या बेहतर बनानी है, जिंदगी, तो जिंदगी कैसी चल रही है वो देखना पड़ेगा ना, और निर्मम होके देखना पड़ेगा, बेबाक होके देखना पड़ेगा। फिर वहां दया माया नहीं चलती कि यार अपनी जिंदगी है जरा थोड़ा घपला कर लो, कोई बात नहीं अपना ही बच्चा है, 5 में से 3 ही नंबर मिल रहे थे, 4 कर दो, ऐसे नहीं चलता। 3 माने 3, सच माने सच और झूठ माने झूठ।